विधायक सोहन वाल्मीकि ने कोल माइंस के निजीकरण और श्रम कानून को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा और कहा इससे कामगारों के साथ शोषण और बढ़ जाएगा, कामगारों के हित में ऐसे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। परासिया विधायक ने पेंच क्षेत्र के कोल माइंस के जीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि कामगारों का शोषण हो रहा है और भारत सरकार जो करने जा रही है उससे मजदूरों का हक मारा जाएगा। कोयला मंत्री जिस श्रम कानून की बात कर रहे हैं उससे मजदूरों का शोषण तो होगा ही। विधायक वाल्मीकि ने कहा नए कानून और निजीकरण कामगारों का और अधिक मुसीबत बढ़ा कर रख देंगे, जिसके विरोध में अब उग्र आंदोलन किया जाएगा। रीजनल और हमारे सभी शाखा के लोगों ने ये ज्ञापन सौंपा और ये ज्ञापन हमारा जो पेंशन की जो ज्वलंत समस्या है, मजदूर से जुड़ी हुई है, उद्योग से जुड़ी हुई है, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, वो समस्या हमने महाप्रबंधक के नाम से ज्ञापन दिया है और हमने महाप्रबंधक को कहा है कि ये समय पर रह के हमारी ये समस्या जो है, जो मजदूर और उद्योग से जुड़ी हुई है, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उसका समस्या का निराकरण करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।